हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ढिलो मल्टी स्टिचिंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर नेक की कटिंग और स्टिचिंग लेके आए हैं, तो आइए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने एक पेपर पेस्टिंग ले रखी है और इसको डबल फोल्ड में कर रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ है 5 इंच और लेंथ है इसकी 8.5 इंच। उसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। पहले निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पे, फिर उसके बाद हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। 7.5 इंच के बाद हम निशान लगाएंगे विड्थ का, 3 इंच का। आप कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डीप पहनना पहनते हैं गले तो आप 3.5 इंच पे लगाएं। अगर आप ज़्यादा डीप नहीं पहनते तो आप 2.5 इंच भी लगा सकते हैं, 2.5 इंच भी। उसके बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे 3 बाई 3.5 का। बॉक्स बनाने के बाद हम हल्के हाथ से इसको राउंड शेप देंगे। अब हम इसके बाहर से 1-1 इंच पे और निशान लगाएंगे। एक एक इंच का निशान लगाते हुए हम इसको भी राउंड शेप दे लेंगे जैसे पहले दी थी हमने। इस निशान को अब हम पक्का कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमारा, कमेंट करके ज़रूर। अब हम 0.2 पे को ऊपर निशान लगाएंगे और इसको हल्का सा तिरछा करते हुए नीचे तक लेके आएंगे। ये हमें बंद की साइड लगाना है निशान। अब हम यहाँ से एक पत्ते की शेप देंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं इसको, आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो डिज़ाइन डाल लें इसमें। हम इसमें एक पत्ते की शेप देंगे। अब फिर इसके बाहर से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे ऐसे पूरे में निशान लगाते जाएंगे। अब इन निशानों को हम फिर से गहरा कर लेंगे जो हमने लगाए थे। अगर आप ज़्यादा डीप गले पहनते हैं तो आप इसको 3.5 इंच तक ले सकते हैं इसकी विड्थ। अब जैसे हमने निशान लगाए हैं हम सभी को वैसे कटिंग कर लेंगे। पहले हम अंदर की साइड से कटिंग शुरू कर रहे हैं। अगर ये आपसे अच्छे सेट नहीं होता तो आप इसको पिनअप कर ले ताकि ये इधर उधर हिले ना, क्योंकि अगर ये कटिंग करते इधर उधर हिल गया तो कहीं से छोटा बड़ा हो सकता है, जो कि हमारा जब सेट करेंगे तो अच्छे से सेट नहीं होगा। या आप बुकरम पे सिलाई लगा लें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन हमारा कैसा लगा। ये देखिए हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। अगर आपकी पेस्टिंग है तो आप प्रेस से पेस्ट कर लें, नहीं तो आप इस पे कपड़े पे रख के इसको और सिलाई लगा लें। हम
दोनों हिस्सों को रखेंगे, जो अंदर वाला हिस्सा उसको भी रखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ तक हमारा गला आएगा, ताकि जब हम इसको बिठाएं सेट करें तब कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके कॉर्नर में छोटे छोटे कट लगाते हुए और जो हमने आधा आधा इंच बाहर से कपड़ा कट किया है इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे ताकि जब हम कमीज पे लगाएं तो कमीज के सेंटर पॉइंट से इसको मिला सकें। नीचे चौक से निशान लगा देंगे, ऊपर एक हल्का सा कट लगा देंगे। ये देखिए हमने गले को तैयार कर लिया। अब हम इसको अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो जैसे हमने गले का सेंटर पॉइंट किया था वैसे ही हम अपनी कुर्ती का सेंटर पॉइंट करेंगे। इसके भी सेंटर पॉइंट पे एक छोटा सा कट लगा देंगे हम। जब आप सेंटर पॉइंट करें तो अच्छे से शोल्डर और आर्म होल को अच्छे से मिला के तब सेंटर पॉइंट करें। अगर इधर उधर हो गया तो बाद में गला टेढ़ा जाएगा हमारा। इसको भी बीच से आप या तो प्रेस कर लें या फिर आप नाखून से करीज बना लें इसके, फिर ऊपर चौक से एक सीधा निशान लगा लें, सीधी लाइन खींच लें आप। ये देखिए हमने दोनों का सेंटर पॉइंट कर लिया है। अब दोनों को सीधी साइड मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम बीच में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला अच्छे से सेट रहे, इधर उधर ना हिले। गले का और कुर्ती का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें कि हमने बुकरम पे के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, हमने बुकरम के किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम आधा इंच से भी थोड़ा कम कपड़ा छोड़ते हुए अंदर से इसकी कटिंग कर लेंगे। कहीं से हमारी सिलाई ना कटे ध्यान से कटिंग करते हुए हम इसको पूरे की जो अंदर हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग करते जाएंगे। अब इस पे हम पूरे पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और जहाँ पे कोने हो वहाँ पे बिल्कुल ध्यान से लगाए, ना तो सिलाई कटे और कट भी अच्छे से लगे, क्योंकि कोनों से ही हमारी फिनिशिंग आएगी। अब हम इसको उल्टी तरफ पलट लेंगे, इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ कॉर्नर पे हम किसी नुकीली चीज़ से इसको निकालेंगे बाहर ताकि अच्छे से कॉर्नर बन जाए हमारा। इसको उल्टी तरफ पलट के हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे या प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए हमारा हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब हमारा जो अंदर का मेन नेक है हम उसको अटैच करेंगे। बाहर की पट्टी थी जो हम इसको हमने डबल फोल्ड कपड़े पे रखना है। डबल फोल्ड कपड़े पे इसको भी हमने आयरन से चिपका लिया है इसके ऊपर, और अंदर की तरफ इस पे
बुकरम के साथ यानी पेस्टिंग जो हमारी है उसके साथ साथ में सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने डबल फोल्ड कपड़े पे बिछा सेट कर रखा है, तो ध्यान रखिए ये हमें सिंगल कपड़े पे नहीं सेट करना, इसको हमने डबल फोल्ड पे करना है, क्योंकि जब हम इसको पलटी करेंगे तो ये अंदर जाए बुक पेस्टिंग हमारी अंदर जाएगी और दोनों ऊपर और नीचे हमारा कपड़ा रहेगा जो कि हमने वो जो अपनी पट्टी तैयार करी थी उसके ऊपर अटैच करेंगे हम इसको। दूसरे को भी हम ऐसे इस साइड में सिलाई लगाते हुए तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब इसमें भी हम जो हमारा अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, आधा इंच से थोड़ा कम रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसको भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको पलट करें तभी अच्छे से पलटी हो जाए। अब ध्यान रहे कट लगाते हुए हमारी सिलाई पे कट नहीं आना चाहिए, दोनों पीसेज को ऐसे ही तैयार कर लेंगे हम छोटे छोटे कट लगा के। ये हमारा एक तरफ से फोल्ड कपड़ा वहाँ से हमने कट कर लिया है, अब हम इसको पलटी कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसको पलटी कर लिया और जहाँ पे जहाँ तक हमारे बुकरम हम वहाँ तक इस पे निशान लगाते जाएंगे। पहले ही निशान लगा लेंगे हम ताकि बाद में हमारा कहीं से कम और कहीं ज़्यादा ना हो। बुकरम के ऊपर निशान नहीं लगाना, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में जाते हुए हमें निशान लगाना है। ये हमें सीधे की साइड लगाना है, जिस तरफ से हम अटैच करेंगे उसी साइड हमने निशान लगाना। अब इसके ऊपर हम अपने जो हमने कमीज में नेक बना रखा है उसको स्टिच करेंगे। देखिए अच्छे से इसको सेट करते हुए हम इसके ऊपर हमें जो कमीज है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये नीचे हमारा कपड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि और फिनिशिंग हो जाए हमारी। इसके बाद हम इसको आपको तैयार करके दिखाते हैं। ये हम सिलाई लगा रहे हैं, ये देखिए हमने इसमें डोरी लगा ली है, आप चाहे तो लूप लगा के एक बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा गला बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।